वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो खबर कौन सी है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इलेक्शन मोड में कराएगा भर्ती परीक्षाएँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग धांधली के बाद शासन को भेजा गया बड़ा पत्र, वो क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपके साथ हम आगे बताएंगे। कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस वीडियो की या फिर जो शासन को पत्र भेजा गया है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्शन मोड में होंगी समूह गौ की परीक्षाएं। आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। अगला फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आयोग जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से कराएगा परीक्षाओं का आयोजन। यानी कि इस बार जो है काफ़ी जो है आपको चेंजेस आगामी आने वाले परीक्षाओं को देखने में मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों के समूह गौ की पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराई जाने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं को आयोजन कराने और फुल प्रूफ प्लान तैयार जो है कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा परीक्षाओं को निर्वाचन कार्य की भांति संपन्न कराने हेतु प्रशासन को जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। आयोग ने 13 सितंबर को पत्र पर मुख्य सचिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसएस संधु को तत्काल कार्रवाई करते हुए उन पर स्वीकृतियाँ भी जारी कर दी हैं। अन्य बिंदुओं के संबंध में तत्काल कार्रवाई हेतु सचिव कार्मिक को निर्देशित किया है। शासन द्वारा आयोग को आवश्यकता अनुसार संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और आयोग को समस्त प्रस्तावों पर मंथन और निर्णय लेने का कार्य भी शुरू किया गया है। उसके अलावा कार्मिक विभाग भी इस संबंध में जो है बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। अब ये कौन कौन से प्रस्ताव है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और पूर्ण रूप से यहाँ पर पारदर्शिता जो है यहाँ पर बने रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राकेश कुमार की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कई बिंदु शामिल किए गए हैं। आयोग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि परीक्षा आयोजन हेतु पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की समय रहते उपलब्धता हेतु जिला अधिकारियों को जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश कर अभ्यर्थियों हेतु पर्याप्त फर्नीचर, बिजली, पेयजल, आवागमन की सुविधा वाले स्कूलों को चिन्हित किया जाए। यानी कि अभी से जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएँ हैं जो लोक सेवा आयोग से होने वाली थी उनको जो है लगातार जो है स्पीड मोड में, यानी कि जैसे ऑलरेडी युद्ध स्तर पर जो है कार्य स्टार्ट कर दिया गया। उसके अलावा प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि परीक्षा आयोजन जिला स्तर पर जिला अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर जो है आयोग के सहयोग के लिए हर जिले से एडीएम स्तर से ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित जो है यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा जो आगे जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही वो ये आ रही कि आयोग ने तहसील नगर स्तर पर परीक्षा संचालन के लिए आप देख सकते हैं एडीएम स्तर के जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नामांकित होंगे। उसके अलावा अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएं, पुलिस बल भी तैनात किए जाएं और परीक्षा को सही ढंग से चलाने के लिए आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त किए जाएं ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रशासन का एक अधिकारी तहसीलदार स्तर के जो है नामांकित हो। तो आप देख सकते हैं उसके अलावा यह भी इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि परीक्षा केंद्र से, आप देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के क्षेत्र पर धारा 144 लगाई जाए व विभिन्न जनपदीय कोषागार से गोपनीय सामग्री विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने एवं परीक्षा के उपरांत गोपनीय सामग्री से संबंधित सील्ड पैकेट आदि संबंधित नगर पोस्ट ऑफिस अथवा निर्धारित गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नामांकित किए जाएं। तो आप समझ लीजिए किस तरह से लगातार लोक सेवा आयोग यहाँ पर जो है काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली हुई है कहीं न कहीं पूरी सरकार पे जो है बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। खासकर तमाम जो ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं एग्ज़ाम
कराने के लिए सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, लेकिन अब सरकार भी चाहती है, लोक सेवा आयोग भी चाहता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आगामी भविष्य में किसी के ऊपर ना उठे, इसलिए वो पहले से यहाँ पर सतर्क है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कॉमेंट सेशन में मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।